हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल CCIM मैथ्स ट्यूटोरियल। तो देखिए स्टूडेंट्स, MSTCET 2022 बैच ये हमारी चल रही है और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शॉर्ट ट्रिक्स फॉर द डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन यूनिट्स। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन की भी हम शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे कुछ प्रॉब्लम्स की और इंटीग्रेशन की। तो सबसे पहले जो है हम डिफरेंशिएशन का कर लेते हैं। अगर क्वेश्चन मानो कि ऐसे आता है, इफ़ वाई इक्वल्स टू, अगर फंक्शन एफ ऑफ एक्स और उसका पावर जो है दूसरा फंक्शन अगर रहेगा, ठीक है, तो ये फंक्शन मैंने लिख दिया, फंक्शन का पावर फंक्शन अगर आया तो इसका डेरिवेटिव कैसे लेना है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स देख लो। तो ये क्या होने वाला है, सबसे पहले तो ये आपको दिख रहा है वो वही लिखते हैं हम एज इट इज़ यहाँ पे, मतलब ये फंक्शन और उसका पावर दूसरा फंक्शन। ओके, फिर हम क्या करेंगे, अंदर क्या करेंगे, ये जी ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स कर देंगे, ये हो गया। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, डेरिवेटिव करना है फंक्शन का एफ ऑफ एक्स का, तो यहाँ पे एफ डैश एक्स हो जाएगा, प्लस लगा देना है और बाद में लॉग करना है बेस का, मतलब बेस कौन है यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स फंक्शन, और डेरिवेटिव अभी एफ का कर दिया, बाद में जी का करो तो ये हो गया जी डैश एक्स, डन। तो ये हमारी हो गई ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक्स है ये। अभी इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। देखो यहाँ पे क्वेश्चन लेता हूँ मैं, यहाँ पे एक x टू द पावर साइन x ये लिया मैंने, ये भी फंक्शन है और उसका पावर भी क्या है, एक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, अभी डेरिवेटिव लेना है तो क्या करेंगे हम, dy by dx equals, यही ट्रिक यूज़ करेंगे हम, पहले तो जो है वही लिख देते हैं x टू द पावर साइन x इन ब्रैकेट, अभी जो फंक्शन ऊपर वाला है वो लिख देते हैं हम ये साइन x, और नीचे क्या लिखेंगे हम x लिखेंगे, और बाद में क्या करते हैं हम इसका x का डेरिवेटिव करेंगे क्योंकि फंक्शन का डेरिवेटिव किया था, तो ये x का डेरिवेटिव 1 प्लस लॉग ऑफ द बेस, तो लॉग बेस को ना यहाँ पर x है तो ये log x, और बाद में क्या करेंगे साइन x का डेरिवेटिव, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, ये cos x हो गया, ये हो गया cos x, बन गया आंसर। ठीक है, अब ये 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा, तो x टू द पावर साइन x, इधर आ रहा है साइन x बाय x, और यहाँ पे log x इंटू cos x। तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आया तो आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं, x टू द पावर x, तो इसका कैसे आएगा डेरिवेटिव, dy बाय dx x रेस टू x इन ब्रैकेट, अभी x अपॉन x लेना पड़ेगा, फिर x का डेरिवेटिव 1 प्लस लॉग ऑफ बेस, बेस है x, और फिर से ये ऊपर वाले x का डेरिवेटिव 1, x और x कैंसिल हो गया तो फिर बचेगा कितना, x रेस टू x 1 प्लस लॉग x इंटू 1 लॉग x। तो इस तरीके से ये पहला ट्रिक हो गया है यहाँ पे हमारा कंप्लीट। अभी आएंगे हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ कि ये अभी नेक्स्ट वाला जो है टाइप रहेगा, कब यूज़ करना है वो भी बता देता हूँ। अगर इफ़ y इक्वल्स टू, कोई भी फंक्शन अगर रिपीट हो रहा है, ठीक है, स्क्वायर रूट में, तो ये रूट एफ ऑफ एक्स प्लस अगेन रूट एफ ऑफ एक्स प्लस अप टू इन्फिनिटी। ओके, ये इस तरीके से चल रहा है अप टू इन्फिनिटी, देन उसका डायरेक्ट आंसर आपको कैसे याद रखना है, देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, वेट ये देखो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, ये फंक्शन है ना, इसका डेरिवेटिव ले लेना ऊपर ये अब डैश एक्स, और नीचे क्या आएगा टू वाई माइनस वन, ये फिक्स रहेगा डिनोमिनेटर, टू वाई माइनस वन ही आएगा नीचे, और ऊपर क्या आएगा फंक्शन का डेरिवेटिव दैट इज ये अब डैश एक्स। अब इसका एक प्रॉब्लम देख लेते हैं हम तुरंत, वाई इक्वल्स टू जैसे कि रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स अप टू इन्फिनिटी। ओके, तो क्या आएंगे यहाँ पे आंसर, डी वाई बाई डी एक्स, सिंपल है, साइन एक्स फंक्शन है उसका रिपीट कौन हो रहा है साइन एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव ऊपर ले लो कॉस एक्स, और नीचे क्या आएगा टू वाई माइनस वन, अगर इधर लॉग एक्स आया तो वन बाय एक्स, यस, तो टू वाई माइनस वन, टेन एक्स आया तो सेक्स स्क्वायर एक्स वन माइनस टू वाई माइनस वन, करेक्ट, आ गया समझ में। अब चलो नेक्स्ट लेते हम यहाँ पे दूसरा टाइप, अभी ये है डिफाइनाइट इंटीग्रल से। देखो यार, एक क्वेश्चन अगर इस टाइप में आएगा, देखो 0 to π/2, ये क्वेश्चन जनरली आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये साइन एक्स है प्लस नीचे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अभी एक चीज़ आपको पता है कि साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट्री बनता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से कॉम्प्लीमेंट्री पेयर फॉर्म करता है, साइन और कॉस, टैन और कॉट और सेक और कोसेक, ठीक है, 90 के लिए पता है आपको साइन पाई बाई टू माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है, कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स साइन एक्स होता है, राइट, फिर ये पेयर में आ रहा है साइन और कॉस, और ये साइन रिपीट हो रहा है, मतलब अगर ऐसा आता है तो इसके लिए ट्रिक क्या है डायरेक्टली आंसर के लिए,
ये अपर लिमिट यू एल माइनस लोअर लिमिट एल एल लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन टू। अब यहाँ पे देखो अपर लिमिट क्या है, पाई बाई टू माइनस लोअर लिमिट जीरो अपॉन टू। अब ये कितना हो जाएगा, ये टू टू जा फोर, तो फाइनल आंसर आपका पाई बाय फोर। क्या आंसर आएगा आपका यहाँ पे, पाई बाय फोर। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर मान लो यहाँ पे टेन आता तो फिर यहाँ पे टेन टेन कॉट आएगा, यस इस तरीके से सेक सेक और कोसेक आएगा। यस आया समझ में आप लोगों को, क्लियर? याद रखते इसी तरीके के। अगर आपको वीडियो चाहिए तो लाइक कर दो वीडियो को, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो।